अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूबी किचन गार्डनिंग। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप ठीक होंगे, हरियत से होंगे और खुशबाश होंगे और गार्डनिंग में मसरूफ़ होंगे। मेरा तो यही पैशन है और इससे अच्छी एक्टिविटी मुझे कोई भी नहीं लगती। तो कैसे हैं फ्रेंड? तो आज मैं आपको अपने गार्डन का ओवरव्यू दूँगी। ये देखें माशाल्लाह से अब गार्डन में काफ़ी बहार आ गई है, क्योंकि फरवरी का महीना भी अब ख़त्म हो रहा है। आज तकरीबन 18 तारीख है, तो आगे मार्च में जाके तो इसकी सारे पौधों की जो है ना, हमारे फ्लावर्स जो हैं वो खिलेंगे, वेजेस जो हैं वो भी बहुत अच्छे से हो जाएंगी। ये देखें, ये जो बिल्कुल वो ड्वार्फ वाला छोटा गुलदाउदी है ना, इसके मैंने लगाए थे ये प्लांट्स, सीडलिंग लगाई थी नर्सरी से ला के। अब ये देखिए फ्लावरिंग पे आ गया माशाल्लाह से। ये देखिए कितना प्यारा ज़बरदस्त लग रहा है। ये काफ़ी जगहों पे मैंने लगाया हुआ है। तो अब गर्मी आ रही है, तो गर्मियों की अब तैयारी कर ले। मैंने तो कुछ सीड्स तो मैंने लगा दी हैं, कुछ अभी लगाने हैं, तो आप भी जल्दी जल्दी लगाएँ और इन्जॉय करें। और ये देखें, ये हमारे मोंगरे हैं, ये मेरे शलजम हैं। ये देखें सारे, ये सारे शलजम हैं और इनकी ग्रोथ देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी है। और ये मोंगरे हैं, ये तो अब हार्वेस्ट करने वाले हैं। ये देखें कितने बड़े बड़े हुए हुए हैं। ये देखें अब इनको धूप सूख लग रही है ना, तो ये बोगनवेलिया की बेल भी देखें। ये देखें इसके ऊपर भी जी फ्रेंड, तो मैं तो आज हार्वेस्टिंग आपको कुछ दिखाऊंगी। कुछ मूलियां हम निकालेंगे, कुछ शलजम निकालेंगे। और ये देखें शलजम माशाल्लाह से कितनी अच्छी इनकी ग्रोथ हो गई है, जो बड़े बड़े हो गए हैं उनको हम आज निकाल लेंगे और इनको हम कच्चा ही खाएंगे, पका के ही खाएंगे, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, हेल्दी है और ये खाने चाहिए ज़रूर। ये बहुत अच्छे होते हैं हमारी सेहत के लिए भी। कच्ची सब्ज़ियाँ तो बहुत ही अच्छी हैं, सब्ज़ियों को कच्चा खाएँ, पका के खाएँगे, इनकी अफादियत जो है ना वो बहुत ही अच्छी है। और ये देखें ये मूलियाँ, ये भी अब निकालने वाली हो गई हैं। ये देखें आज हम इनको भी निकाल लेते हैं। ये देखें ना कितना अच्छा साइज है इसका, मूली का। एक मूली ये भी है, ये भी काफी हेल्दी है। ये देखें तो इसको भी निकाल लेती। ये हो गई हमारी दूसरी मूली। आज मूली वाले पराठे बनेंगे और ये कच्ची इनके सैलेड भी खाएंगे हम। अपने हाथों से लगाई हुई सब्जियों को तोड़ने का तो अपना ही मज़ा है, तो खाने का सोचे कितना मज़ा आएगा। ये देखे ये भी है, ये भी निकाल लेती हूँ। ये देखे साथ गाजर का भी पौधा आ गया है। हाँ, मैंने देखा ही नहीं कोई बेचारी गाजर, अभी बहुत छोटी सी थी। ये देखे इसने अभी बड़े होना था, मूली निकाली है तो उसके साथ ये भी निकल आई है। ये देखे यहाँ पे मैंने गाजरें भी लगाई हुई थी कहीं कहीं पे ना, मैंने सीड लगाए थे लेकिन वो कुछ कुछ निकले। जो मूलियाँ हमारी रेडी हो गई हैं उनको हम निकाल लेते हैं, क्योंकि हम मुझे वैसे भी स्पेस चाहिए आगे गर्मियों की जो है ना सब्जियाँ लगानी है, तो इसलिए जो रेडी हो गई हैं, ये देखें ये भी हो गई हुई है, इसको भी निकाल लेते हैं। ये देखें इसके साथ बच्चे भी हैं। एक ये देख, मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आप ये कोशिश करें कि ज़्यादा लगाएं, लेकिन अगर आप ज़्यादा नहीं लगा सकते तो थोड़ा बहुत तो लगाएं, कम से कम इतना तो हो को हमारे पेट में कुछ तो ऑर्गेनिक जाए। ये देखें अब ये देखें मैंने लगाई हुई थी और मुझे काफ़ी सारी मिल गई है। मैं आपको दिखाती हूँ कि जो जो मैंने निकाली है आज, देखें। और ये हमारी पूरी फैमिली के लिए काफ़ी है। आप इनके सैलड भी बना के खा सकते हैं और इनका पका के भी खा सकते हैं, पराठे बना के खा सकते हैं। ये देखें 3, 4, 5 अभी और भी हैं, वो भी निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती। कौन कहता है कि घर में सब्जियां नहीं उग सकती, कि बाहर खेतों में ही उग सकती हैं। ये रिज़ल्ट आपके सामने है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें ये शलजम माशाल्लाह से कितना अच्छा है और हेल्दी इसका साइज़ है। और ये देखें बाकी छोटे छोटे भी हैं और काफ़ी सारे लगे हुए हैं। आप इतने लगाएं कि एक दो दफ़ा आप पका लें और इसके अलावा जब भी आप छत पर आएँ तो तोड़ के तो खाएँ, तो कितना मज़ा आएगा और आपकी सेहत के लिए भी अच्छी हैं। सब्ज़ियाँ तो पता है खून पैदा करती हैं और अच्छी है, नुकसान दे नहीं।
चाहिए, वो मीट गोश्त वगैरह भी खाना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है ना सब्ज़ियाँ खाना चाहिए। इन सब्ज़ियाँ इंसान को हमेशा तंदुरुस्त और सेहतमंद रखती हैं। ये देखें अब इनको निकाल लेती हूँ। ये देखें इसका काफ़ी अच्छा साइज़ हो गया। अगर अब मैं ना भी निकालूँ तो इससे भी इसका बड़ा साइज़ हो सकता है, लेकिन मैं रोज़ इसको देखती हूँ तो मेरा दिल करता है कि मैं इसको निकाल लूँ। ये देखें और कुछ भी नहीं है मेरे घर के जो है ना, ये जितने भी मैं वेजेस वगैरह निकालूंगी इनके पत्ते जो हम यूज़ करेंगे वो तो ठीक है, जो नहीं यूज़ करने वो मैं सारे दोबारा इन्हीं पॉट्स में डाल के, तो इनकी वो मिट्टी डाल के तो पौधा लगा देती हूँ, तो इनकी ऑर्गेनिक इनको खाद भी मिल जाती है। ये देख कितना अच्छा साइज़ है और कितना प्यारा लग रहा है। एक हम निकालेंगे ये वाला भी, क्योंकि यहाँ पे टमाटर लगे हुए हैं तो इसलिए टमाटरों के दो तीन पौधे लगे हैं, तो इस वजह से इसकी इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हुई है। ये देखें ये उससे थोड़ा छोटा है, तो मैंने कहा इसको भी निकाल देते हैं ताकि स्पेस बन जाए और टमाटर जो है ना वो अच्छे से ग्रो हो जाए। और ये देखें ये भी कितना प्यारा है। और यहाँ पे इस जगह में देखें कितने सारे पौधे लगे हुए हैं, इसलिए ये थोड़ा बड़ा हो गया, तो इसको मैं निकाल लेती हूँ ताकि दूसरों को थोड़ी ना एनर्जी मिल जाए, जो भी ये खुराक वगैरह है ना फिर इनको मिलेगी तो वो भी अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। अब हम कर लेते हैं ये देखें कैबेज जो मेरी है, बंद गोभी, ये भी रेडी हो गई हुई है। इसका फूल छोटा बना है लेकिन ये अब रेडी हो गई है, इसलिए मज़ीद इसको रखने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम निकाल लेते हैं, निकाल के तो इसको हम सैलड की जगह पे यूज़ कर लेंगे और फिर हमारा ये जो है ना पॉट खाली हो जाएगा ताकि हम इसको कुछ और लगा सकें। और ये है हमारे चाइनीज़ टमाटो, ये देखिए ये जो पके हुए हैं ये हम निकाल लेते हैं इनको, ये देखिए गुच्छों की सूरत में लगे हुए हैं और बाकी हम रहने देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी मेरे ये ना टमाटरों की ग्रोथ है और इतने ज़्यादा टमाटर लगे हुए हैं ना, और सारे नीचे नीचे हैं, नज़र ही नहीं आ रहे कोई भी। ये देखें जो पके हुए हैं ना उनको मैं निकाल लेती हूँ। ये देखें ये देखें अभी फ़िलहाल मुझे ये तीन टमाटर मिले हैं और काफ़ी हैं, इसको हम ऐसे ही खाएंगे कच्चा ही। खाने से ज़्यादा ना देखने में और तोड़ने में खुशी मिलती है, और खुशी आपको पता है कितनी नायाब हो गई हुई है, और ये और खुशी आपको जहाँ से भी मिले उसे ज़रूर कलेक्ट कर लें, क्योंकि खुशियाँ जो है ना वो बहुत कम इंसान के नसीब में होती हैं, और जितनी भी मिले छोटी मिले उसको इंजॉय करें ज़रूर। जी फ्रेंड तो ये थी मेरी आज की हार्वेस्टिंग। ये देखें मूलियाँ हमें मिल गई हैं काफ़ी सारी, और शलजम भी मिल गए हैं, ये देखें कितने सारे मिल गए हैं, और कुछ ये टमाटर हैं। तो ये देखें बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त ये हार्वेस्टिंग मिली है मुझे, और ये देखें ये बंद गोभी है और प्योर ऑर्गेनिक है और मेरे लिए सेफ़ है। तो आप भी ज़रूर करें, मैं बार बार आपको कहती हूँ कि आप किचन गार्डन बनाएं और अपने आप को मसरूफ़ रखें, ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है आपकी सेहत के लिए, आपके लिए इससे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा, सुकून मिलेगा, खुशी मिलेगी। तो कैसी लगी आपको मेरी ये छोटी सी हार्वेस्टिंग? अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके अल्लाह हाफिज़।